Hello my dear students, this is very special video for class 10 students because I'm going to tell you how to make a project in mathematics. This is for class 10 students and for all the boards, that is ICSE board, CBSE board or any board, any state board. But this is very special video for you. How to prepare a project in mathematics, especially for class 10 students. And you know the two projects you have to prepare in a year, during the year, and you have to submit in the month of before half yearly examination, and then just after the half yearly, means you can say in the October, November. So there will be the two projects. I'll discuss in the video the first project, and in the another video I'll discuss the second project. What is the meaning, means to submit the project, what is the meaning of this? You will get 20 marks, the 20 marks based on the two projects in every subject for class 10 students. And you can see in the board examinations also, the theory paper comes out of 80, means 20 marks only. This is called the internal assessment marks. Aur ye internal assessment based hote hain tumhare project par. To project ko bahut acche se banana hai, prepare karna hai. How to prepare it? I will tell you the topic and the related things about that topic, aur saath mein ki usko kaise prepare karna hai. You can take the help of this video. So you can, if you subscribe the channel Study Bright, that is myself Ashish Srivastava, and you can subscribe this channel, you will get the latest study material, or you can say that the related to your subject, you will get the additional knowledge about the mathematics. Okay, let us start the project. I have written the maths project of class 10, and the topic is to survey various types of bags online only, because these days you will not go out. Okay, तो ऑनलाइन नेट पे, गूगल पे, कहीं से भी उसे सर्च करना है, ठीक है? अभी बताएंगे कि कैसे और भी तरीके क्या है. ऑनलाइन ओनली एंड टाइप्स ऑफ द डिफरेंट अकाउंट्स, उनके डिफरेंट अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेना, मतलब कौन कौन से अकाउंट होते हैं. यू हैव रेड द चैप्टर बैंकिंग इन दिस आईसीएसई बोर्ड, द चैप्टर बैंकिंग इज देयर, तो काफी हेल्प उससे भी मिल जाती है. एक तो वो तरीका हो गया. देन टूल्स, कहां से हम इसको, ये तो टॉपिक है, दिस इज द टॉपिक वन. एंड हाउ टू राइट द प्रोजेक्ट, तो पहले तो ये लिखना है टॉपिक, ओके. एंड देन द टूल्स, टूल्स मींस कहां से आप उसको ले रहे हैं, मतलब कि उसको आप कहां से इस बैंक अकाउंट्स को, ऑनलाइन हमने लिखा ओनली, तो ये ऑनलाइन क्या, कौन सा जरिया है, और चीजें क्या क्या चीजें. तो यू कैन यूज द इंटरनेट, यूज न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर आता है आप लोगों के यहाँ, न्यूज़पेपर से बैंक के बारे में, उनके अकाउंट्स के बारे में जान सकते हैं. एंड जो मेन है, वेरी इंपॉर्टेंट, टेकिंग द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी द डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द डिफरेंट बैंक्स. आपके पापा मम्मी या आपके एल्डर, वो सब भी बैंक अकाउंट सबके यहाँ होता है, डिफरेंट बैंक भी होंगे, डिफरेंट बैंक्स के अकाउंट्स भी होंगे, उनसे पता चल जाएगा कि क्या चीजें और हैं इसमें. अब इसमें आपको सर्वे क्या करना है, व्हाट यू हैव टू सर्वे. सो द थर्ड टॉप थिंग, विजिट द साइट्स ऑफ द डिफरेंट बैंक्स ऑनलाइन ओनली. जस्ट आई एम रिपीटिंग दिस, ऑनलाइन ओनली, डोंट गो टू एनी बैंक फिजिकली, फिजिकली नहीं सर्वे करना है, ऑनलाइन. एंड राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स. अब शॉर्ट नोट्स किस पे लिखना है,
टाइप्स ऑफ द डिफरेंट अकाउंट्स. कौन कौन से अकाउंट होते हैं बैंक में? सेविंग अकाउंट, उनके बारे में लिखना है शॉर्ट नोट्स अबाउट द सेविंग अकाउंट. जब हम इंटरनेट पर सर्च करेंगे सेविंग अकाउंट के बारे में तो विल गेट द मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेविंग अकाउंट. सेकंड, एफडी अकाउंट मींस फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट. इफ यू सर्च इन द ऑन द इंटरनेट यू विल गेट अगेन द अबाउट द एफडी अकाउंट. करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट होता है मेनली बिजनेस वालों के लिए. एंड द लास्ट वन इज द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आरडी अकाउंट. इन सबके बारे में, आरडी अकाउंट तुम्हारे बैंकिंग चैप्टर में भी है आईसीएससी बोर्ड में, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट, मतलब उसके भी हम पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो ये फोर टाइप्स के अकाउंट्स के बारे में लिखना है, ब्रीफ करना है कि व्हाट आर दीज, मतलब मेन इसकी मीनिंग क्या है. अब उसमें हम करेंगे क्या, जैसे कि एफडी, अब उसके क्या क्या तरीके और करने हैं. हाउ टू ओपन, मतलब उसमें लिखना क्या है. एक तो उसके अबाउट द अकाउंट्स हो गया, देन यू हैव टू राइट हाउ टू ओपन अबव टाइप्स ऑफ अकाउंट इन डिफरेंट बैंक्स विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. मतलब इन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, ये आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं या इंटरनेट पे सर्च करके भी पूछ सकते हैं या बैंक को फोन करके भी पूछ सकते हैं. मींस कि इन अकाउंट्स को ओपन करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है. फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मतलब कि आधार कार्ड हो गया, पैन नंबर, अभी आप छोटे हैं, जैसे बड़े लोग हो जाएंगे तो उनका पैन भी चलेगा, आधार भी चलेगा, फोटोज होनी चाहिए, सिग्नेचर भी करना है उस पर, एक फॉर्म फिलअप करना है, एंड देन यू हैव टू डिपॉजिट द सम अमाउंट दैट मे बी द कैश और बाय चेक. तो चेक तो उनके लिए है जो बड़े लोग हैं, जो फर्स्ट टाइम खुलवा रहे हैं वो कैश से ही खुलवाएंगे. तो इस तरह से ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है. अब उनके एक टेबल बनाना है, एक टेबल बनाना है, एक तो ये हो गया. इसके बाद में आपको ये चीज करनी है कि यदि कोई अकाउंट्स को हम क्लोज करते हैं, इफ यू क्लोज द अकाउंट इन बिटवीन, कभी कभी हमको कोई अकाउंट को बीच में क्लोज करना पड़ जाता है, तो व्हाट इज द पेनाल्टी बाय द बैंक. मतलब कुछ पेनाल्टी बैंक लेते हैं, मतलब कस्टमर से जो बीच में बंद कर रहा है. भाई अगर जैसे हमने किसी से कहा कि ये वन ईयर अकाउंट हमारा चलेगा और हमने सिक्स मंथ में बंद कर रहा है, तो इसका मतलब कि बैंक को तो लॉस हो गया. तो बैंक क्या करेगी, कुछ परसेंट पेनाल्टी दे काटेगी, आपके अकाउंट में से कुछ रुपए डिडक्ट कर लेगी. तो व्हाट आर दीज, व्हाट इज द रेट परसेंट, उसमें कितना परसेंट कटता है और क्या उसका प्रोसीजर होता है. सो राइट द टाइप ऑफ पेनाल्टी बाय द बैंक इन इफ एनीवन इज क्लोजिंग द अकाउंट इन बिटवीन, और उसका प्रोसीजर भी लिखना है कि हाउ टू क्लोज द अकाउंट, कैसे लिखना है ये चीजें. इसके बाद लास्ट में एक टेबल बनानी है आपको, और 1920 और 1921 में, वो सॉरी 2020 में और 2021 में रेट क्या है, रेट्स ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेविंग अकाउंट, फॉर द एफडी अकाउंट, फॉर द आरडी अकाउंट, फॉर द करेंट अकाउंट्स, इनके रेट स्लैब क्या रहा, उनका एक स्लैब बनाना है, टेबल बनानी है. ठीक है, यू हैव टू मेक ए टेबल, राइट द डिफरेंट रेट स्लैब इन 2020 एंड 21, मेक ए टेबल. ओके, अब दीज आर द, देन इट इज ओवर, प्रोजेक्ट इज ओवर. बट वेयर यू हैव टू राइट, कैसे इसको लिखेंगे, यू हैव टू राइट द अबव प्रोजेक्ट इन द सेपरेट शीट ऑफ पेपर, दैट मस्ट बी द थिक पंच पेपर. पंच पेपर जानते हैं सब लोग, थिक पंच पेपर, मतलब थोड़े मोटे, ये लो क्वालिटी के मत लीजिएगा, थिक पंच पेपर. एंड द फर्स्ट पेज इन विच यू हैव टू राइट योर नेम, क्लास विद सेक्शन, एकेडमिक ईयर एंड द नेम ऑफ द टीचर टू हूम यू हैव टू सबमिट. मतलब जैसे आपके यहां जो भी टीचर पढ़ाते हो उनका नाम, अपना नाम, क्लास, सेक्शन, एकेडमिक ईयर, टॉपिक और उनका नाम जो टीचर को सबमिट करना है. द फर्स्ट पेज मस्ट बी डेकोरेटेड, और इससे बड़े ही अच्छे से एक फाइल में, फाइल मीन्स ट्रांसपेरेंट फाइल भी आती है,
एक कर्डन की भी फाइल आती है, तो कोई भी फाइल आप ले सकते हैं और उसमें आप लगा करके टीचर को देना है। व्हेन द स्कूल विल रीओपन, जब स्कूल रीओपन होगा तो आपको इसे सबमिट करना है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ द क्लास 10 मैथमेटिक्स। आई गिव द दिस होल अबाउट द प्रोजेक्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक देयर। थैंक यू, स्टे होम, बी सेफ।